इस कोविड के दौर में जब हमारे स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो बच्चों के पास पढ़ने का सिर्फ एक ही विकल्प रह गया है और वो है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट के सामने पहले से बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ रहा है। इस बढ़े हुए स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आंखें लाल होना, पानी आना, रड़क पड़ना, जलन होना, सर दर्द वगैरह वगैरह। इन सब समस्याओं को, जो कि स्क्रीन के आगे ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से होती हैं, हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आइए जानते हैं कि ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता क्यों है। देखिए, जब भी हम किसी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम अपनी पलकें झपकना भूल जाते हैं। एक आम इंसान एक मिनट में 10 से 15 बार पलकें झपकता है, जबकि स्क्रीन पे काम करते वक्त ये रेट 3 से 5 रह जाता है। यहीं से इस चक्रव्यूह की शुरुआत होती है। पलकें ना झपकने की वजह से हमारी आंख की जो पुतली है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। ये ड्राइनेस या सूखापन किसी एसी कमरे में काम करने से और बढ़ जाता है, क्योंकि एसी कमरे के साथ साथ आंखों की नमी भी खींच लेता है और ये हमारी आंखों के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब भी हम किसी चीज़ को पास से देखते हैं, तो हमारी आंखों को अंदर की तरफ मुड़ना पड़ता है और उन्हें इस स्थिति में रखने के लिए हमारी आंखों की मांसपेशियों को काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। कुछ देर में ज़्यादा काम करने की वजह से जब ये मांसपेशियाँ थक जाती हैं, तो हमें आई स्ट्रेन के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, आंखों में जोर पड़ना शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसको कैसे रोका जाए। सबसे पहले अपनी आंखों को झपकना ना भूलिए, जस्ट डोंट फॉरगेट टू ब्लिंक। अगर आपको याद नहीं रहता, तो एक छोटी पर्ची लीजिए और उसके ऊपर ब्लिंक लिख के अपनी स्क्रीन के ऊपर वाले कोने में चिपका लीजिए। जब भी आप उसको देखोगे, तो अपनी आंखें झपकोगे और ब्लिंक करोगे। इससे काफ़ी हद तक आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी स्क्रीन का लेवल अपनी आंखों के लेवल से 20 या 25 डिग्री नीचे रखिए। देखिए, जब मैं दूर स्क्रीन पे देखता हूँ तो मेरी आंखें ज़्यादा खुली हैं, और जब मैं नीचे स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो 20 या 25 डिग्री मेरी आंखों के लेवल के नीचे है, तो मेरी जो पलकें हैं वो मेरी पुतली को कवर कर देती है, ढक लेती है, जिसकी वजह से ये ड्राइनेस या सूखापन के सिम्टम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तीसरा, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए कुछ भी 20 फुट दूर देखें। कोई भी वस्तु जो 20 फुट दूर हो, उसकी तरफ नज़र टिकाएं। ऐसे करने से जो आपकी आंखों के मांसपेशियां लगातार आपकी आंखों को अंदर की तरफ मोड़ने की वजह से थक गई हैं, उन्हें आराम मिलेगा और आपकी आई स्ट्रेन के सिम्टम्स, जो आंखों में जोर पड़ता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसे कहते हैं 20-20-20 रूल, यानी कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कोई भी चीज़ जो 20 फुट दूर है, उसकी तरफ देखना। ये याद रखिए कि आपकी आंखें लगातार पास देखने के लिए नहीं बनी हैं। सो ऑलवेज टेक स्मॉल रेगुलर ब्रेक्स, छोटी छोटी ब्रेक्स लीजिए, किसी से बात कीजिए, चाय पीजिए, खिड़की से बाहर देखिए, लेकिन लगातार स्क्रीन की तरफ ना देखें। कोविड के इरा में बार बार आंखों को छूना और भी खतरनाक हो सकता है। आप बार बार आंखों को छूने की वजह से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए अपने हाथों को साफ रखें। बार बार अपने हाथों को अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं। ये तरीके अपनाने से आप काफ़ी हद तक इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो, तो अपने किसी नज़दीकी आँखों के डॉक्टर को दिखाएं और अपनी इस समस्या का इलाज करवाएं। धन्यवाद।